नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गांव में रहने वाले एक इंसान की, जिसे काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है। वो अपना सब सामान लेके शहर पहुँच जाता है। स्टेशन से बाहर आकर वो एक टैक्सी वाले को हाथ दिखाता है। एक टैक्सी वाला उसके सामने आकर खड़ा होता है। टैक्सी वाला उसे पूछता है, साहब कहाँ जाना है? तो ये इंसान उसे बताता है, मुझे गणेश मंदिर के पास जाना है, तो कितना भाड़ा होगा? टैक्सी वाला उसे बोलता है, साहब वहां जाने के लिए 100 रुपया होगा। अब ये इंसान बिगड़ जाता है, बोलता है, क्या इधर ही जाने के लिए 100 रुपया होगा? तुम तो मुझे ठग रहे हो। तो टैक्सी वाला बोलता है, नहीं साहब, आप किसी भी टैक्सी वाले को पूछ सकते हो, वहां जाने के लिए 100 रुपया ही होगा। तो ये इंसान उसे बोलता है कि ठीक है भाई, मुझे नहीं आना, तुम जा सकते हो। और वो टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। अब ये इंसान सोचता है, टैक्सी वाले को 100 रुपया देने से अच्छा मैं पैदल ही चला जाता हूँ। और वो अपना सब सामान लेके चल पड़ता है। आधा एक घंटा चलने के बाद भी वो अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाता, तो वो सोचने लगता है, अब आगे जाके कुछ मतलब नहीं, एक काम करता हूँ, यहाँ से टैक्सी करता हूँ। और वो फिर से एक टैक्सी वाले को हाथ दिखाता है, और संजोग से वही टैक्सी वाला उसके सामने आकर खड़ा होता है। अब ये इंसान फिर से उसे बताता है कि मुझे गणेश मंदिर जाना है, कितना भाड़ा होगा? अब ये टैक्सी वाला उसे बोलता है कि साहब अब वहाँ जाने के लिए 200 रुपया हो। अब ये इंसान फिर से शुरू हो जाता है, अभी तो थोड़ी देर पहले तूने 100 रुपया बोला था, और अब 200 रुपया ऐसे कैसे? टैक्सी वाला बोलता है, अब आपको जहाँ जाना था उसके उल्टी दिशा में आप चलते आए हो, तो वह जगह यहाँ से अब बहुत दूर हो गई है, तो अब आपको 200 रुपया भाड़ा देना होगा। अब ये इंसान के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, पहले ही वो चल के थक गया था। अब वो चुपचाप टैक्सी में बैठता है और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम में से भी बहुत सारे खूब मेहनत करते हैं, पर जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके मेहनत की दिशा सही नहीं होती। इसलिए जिंदगी में कुछ भी करने से पहले किधर जाना है ये पता रहना जरूरी है, तभी आप सफल हो सकते हो। तो बस आज के लिए ही इतना ही। आपको ये कहानी कैसे लगी ये जरूर बताइए। थैंक यू।